सो हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स और लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इस रीडिंग्स को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत पॉजिटिव फील करवाता है। ओके, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में से एनर्जाइज करके आपको सेंड कर जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम के नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। और आप आज ही इन क्रिस्टल्स को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए तो फिर गाइस आगे चलते हैं। जितने नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है जो स्पेसिफिकली आप सबके लिए बनाई जा रही है। इस रीडिंग के दौरान जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और साथ ही साथ डिवाइन से प्रे करना है कि आज की इस रीडिंग से आपको करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए तो फिर गाइस आगे चलते हैं। आज चेकआउट कर रहे हैं अभी लेट नाइट थॉट आज आपके पार्टनर के क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और शख्स की एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ वो फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें और बताएं मेरे व्यूअर्स को। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, ओके, प्लीज डिवाइन बताएं। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, फोर ऑफ कप्स, ओके। आई थिंक अभी इवनिंग थॉट्स में भी नाइन ऑफ पेंटाकल्स और सिक्स ऑफ पेंटाकल्स आए थे। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, टू ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ कप्स, टावर, और बॉटम में यहां पर है ओके थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के लिए वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के लिए वी हैव ओके सेवन ऑफ पेंटाकल्स, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें फोर ऑफ कप्स, जस्टिस, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ पेंटाकल्स को। फाइव ऑफ वैंड, ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें टू ऑफ पेंटाकल्स को। पेज ऑफ कप्स, ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एस ऑफ कप को। नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें टावर की एनर्जी को। मजिशियन, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए वी हैव टू ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है, ओके। सो मे बी जिस शख्स के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोरियक साइंस जो मुझे देखने को मिल रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे जोरियक साइंस यहां पर है। ये जो रीडिंग रहने वाली है ये सभी जोरियक साइंस के लिए होगी। यहाँ पर द बेस्ट पार्ट व्हाट आई कैन सी ना, कि आपके पार्टनर जो मुझे दिख रहे हैं वो देखिए, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि क्यों ना आपसे बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करा जाए, चीज़ें इंप्रूव करी जाएं, रिश्ते को आगे ले जाया जाए। एक राइट माइंडसेट में आते हुए, मतलब एक बैलेंस्ड माइंडसेट में आते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। अगर अभी तक वो ये चीज़ सोच रहे थे कि इज़ लाइक आप अगर उनके प्यार के मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो ना बहुत नेगेटिव सोचते थे, ठीक है, तो उस नेगेटिव माइंडसेट से इट्स बाहर निकले हैं, ठीक है। जैसे अगर अभी तक वो ये सोच रहे थे कि आप उनके प्यार के काबिल नहीं हो या वो आपके प्यार के काबिल नहीं है, तो अब ये चीज़ उनके दिमाग से निकली है जहाँ पर वो ये सोचते हैं कि आप दोनों ही प्यार डिजर्व करते हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, यू बोथ आर डिस्टाइंड पार्टनर, ठीक है, आप दोनों को लाइफ लॉन्ग आगे चलना है, ठीक है। एंड वो लिटरली मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट में आते हुए दिख रहे हैं। जो अभी तक नेगेटिव माइंडसेट में थे तो अब काफ़ी पॉजिटिव होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है जहां पर अब वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक क्या है ना, तो ये यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जब हम आपने बहुत इन्वेस्ट करा है, यू नो, इस रिलेशनशिप पे, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी रिश्ते में कुछ ग्रोथ तो आ रही है, ठीक है। इट्स लाइक कि आपका रिश्ता अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये एनर्जी है जहाँ पर आपने बहुत इन्वेस्ट करा है अपने इस रिश्ते में। देखो, जब हमें किसी को एहसास कराना हो ना कि हाँ, अपनी कमी का एहसास, अपने प्यार का एहसास किसी को कराना हो, या फिर अगर आप वाकई में अपने पार्टनर के अंदर कुछ चेंज देखना चाहते हो ना, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको ना मतलब अपने अंदर भी चेंज लेकर आना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर आपको भी बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी को भी ना खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना चाहिए। और यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर अब आपको ना थोड़ा उन्हें इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो आपकी ना वैल्यू, आपकी अहमियत को समझे, ठीक है। आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में, मतलब कभी भी आपको जस्टिस मिली ही नहीं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर टावर, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे कार्ड्स हैं, यानी बहुत डिसऑनेस्टी शख्स ने आपको दिखाई है, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, आपसे ऊपर काफ़ी लोगों को इन्होंने प्रायोरिटी दी है, आपसे ऊपर अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को उन्होंने प्रायोरिटी दिया है, आपको बिल्कुल जैसे साइड कर दिया था इस शख्स ने, ठीक है। एंड आपसे झूठ बोलना, आपको मैनिपुलेट करना, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको उनके, मतलब आपने सही है इस शख्स की, ठीक है। और जब हमें किसी को एहसास कराना हो ना, तो व्हाट दैट आई कैन से इज़ दैट कि उसको, उनको थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। और अगर आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर आप अवॉइड नहीं कर रहे हो ना, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पर अब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, यानी डेफिनेटली आपके पार्टनर में भी कुछ माइंड गेम्स खेल सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी देखो मुझे उनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इज़ ऑल लाइक वो कुछ ना प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, लाइक कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको हर्ट करेगा, ठीक है, जो आपको ना परेशान कर सकती है कुछ चीज़ें, कुछ तो। और ये जो कुछ भी वो करेंगे ना, इट्स लाइक ये उनका माइंड गेम है, ठीक है। जैसे आपको ये दिखाना कि वो आपके बिना बहुत खुश हैं, या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा चुके हैं, कोई ऐसी आपसे बात करना जो आपको बहुत हर्ट कर सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लानिंग वो करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जो आपको हर्ट करेगी, ठीक है। और आपको ऐसे सिचुएशन में आपको इमोशंस अपने शो नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इमोशन शो करोगे तो फिर से वो जो है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे, उनको ये दिख जाएगा कि आपके अंदर आज भी उनके लिए प्यार है, ठीक है। आप उनको अपना प्यार मत दिखाओ, आप उनको अपने इमोशंस इस समय पर मत दिखाओ, क्योंकि जितना आप उन्हें अपने इमोशंस दिखाओगे ना, उतना ज़्यादा वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतनी ज़्यादा जो आपने अभी तक रिस्पेक्ट अर्न करी है ना, वो फिर कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है इस टाइम पर कोई एक्शन ना लेने का, और टोटल साइलेंस की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो कुछ भी वो करें उन चीज़ों से, देखो आपको तभी मैंने पहले बताया, क्योंकि उन चीज़ों से फिर आपको हर्ट नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो सब कुछ जानबूझकर एक सोची समझी चाल या एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर और भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, इट्स लाइक अ पेज ऑफ कप्स, उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनकी उनसे ये जो चेंज आपके अंदर आया है ना, ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो आपकी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी अहमियत को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। एंड वो अगर कन्फ्यूज है ना इस चीज़ को लेकर कि हाँ, आप उनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, आप उन्हें भूल चुके हो या नहीं भूल चुके, तो उन्हें उस कन्फ्यूजन में रहने दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो कन्फ्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो अगर, जब तक वो कन्फ्यूज रहेंगे, तभी तो वो अपनी क्लैरिटी लेने के लिए आपकी तरफ आएंगे, और ये कन्फ्यूजन से वो तभी निकल पाएंगे जब वो आपसे बात करेंगे, जब वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, जब वो आपसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। सो अगर वो इस तरीके की कन्फ्यूजन में है, तो उनको पूरी एश्योरेंस अभी मत दिखाओ कि हाँ, आप उनसे प्यार बहुत करते हो, ठीक है, उनको कन्फ्यूज रहने दो टिल द टाइम जब तक वो अपने आप खुद आकर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करते। और डेफिनेटली उनका कम बैक मुझे दिख रहा है, ठीक है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ विश कम ट्रू, एस ऑफ कप, तो डेफिनेटली उनका कम बैक है। मुझे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है कि आपसे बात करें, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, उनकी इल्यूजन्स जो अभी तक थी, जो उनकी लाइक जो अभी तक उन्होंने भ्रम पाल रखे थे ना, बेफालतू के डर जो उनके अंदर थे, वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस के साथ दे वांट टू कम टू यू, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ आना चाहते हैं, आपको डील करना चाहते हैं, ठीक है।
और हाँ, ये भी चीज़ एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब वो आपकी तरफ आएंगे ना, तो वो एक, मतलब आप ये मत सोचना कि एकदम आते ही बहुत लव बॉम्बिंग करेंगे, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आते ही आपको सॉरी बोल देंगे, नहीं, मुझे उनके अंदर अभी भी ईगो नज़र आ रहा है, ठीक है। जो आपके पार्टनर है ना, वो झुकने वाले शख्स नहीं है, ठीक है। और उनके लिए सॉरी बोलना, उनके लिए झुकना अपने आप में बहुत लाइक एक बड़ी चीज़ है। ये वो पर्सन है जो ना किसी के पीछे भागते नहीं है, ये दूसरों को अपने पीछे भगाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनका नेचर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये शख्स आपके पीछे भाग रहे हैं, एंड लिटरली ये एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिली है, ठीक है। जहाँ पर ये शख्स फिर भी आपके पीछे भाग रहे हैं, तो इट्स दैट लव एनर्जी विच आई कैन सी, एक कॉन्फिडेंस मुझे उनके अंदर दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ना आपके बिना रह नहीं पाएंगे इस समय। इनको आपकी वाइब्स ऐसी दिख रही हैं, एकदम मतलब एकदम हाई वाइब्स में आप दिख रहे हो, आप काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी ब्यूटिफुल इन्हें नज़र आ रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी से इन्हें प्यार हो रहा है, एक अलग ही सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन इन्हें आपकी तरफ फील हो रहा है, एक मैग्नेटिक पुल ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना चाहते हुए भी वो आपकी तरफ क्यों खिंचते जा रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनके अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी जहाँ पर ये एक अलग ही लेवल ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि कम बैक वही करेंगे, ठीक है। आपको इवन आपको इन्हें कांटेक्ट, या अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि आपको अब कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन आपके पार्टनर की साइड से ही आएगा, ओके। और वो खुद आपकी तरफ बढ़कर आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपनी इमोशनल साइड, एक ऐसी साइड आपको दिखाएंगे जो उन्होंने कभी आपको नहीं दिखाई, ऐसी साइड आपको उनकी देखने को मिलेगी, ओके। एंड लिटरली वो उनकी कंफ्यूजन तब तक नहीं निकलेगी जब तक वो आपसे अब बात नहीं कर लेते हैं। गॉट इट? देखो, कोई भी इट्स लाइक कोई भी रिश्ता हो ना, ईगो डेफिनेटली, मैंने अभी भी शायद अपनी पीछे वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी। अब ईगो जो होता है ना, इज़ लाइक वही एक रीज़न बनता है हर रिश्ते को ख़राब होने का, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो एक ईगो है, जो एक फिक्स्ड माइंडसेट लेकर बैठे हुए ना, जो एक स्टबर्न एटीट्यूड ये लेकर बैठे हुए हैं, डेफिनेटली ये उनसे भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। अपनी ईगो, अपने डर, अपने इल्यूजन्स को साइड में रख कर ही आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, ओके। और अभी जो भी है इनका ईगो एटीट्यूड और फिक्स माइंडसेट है ना, ये सिर्फ टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है। इट्स नॉट परमानेंट। ये आपको जस्टिस देने में बिलीव रख रहे हैं, ये आपको आपके साथ फेयरनेस करना चाहते हैं, ठीक है। आपको आपका डिजर्व्ड लव देना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। चलिए, तो कुछ मैसेजेस भी देखते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर अ गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस शख्स की एनर्जीज क्या हैं, क्या कुछ वो फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। एवरी डे माई लव कीप्स ऑन इंक्रीजिंग फॉर यू, हर दिन उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। हर दिन जो ये डिस्टेंस है ना कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बढ़ाता ही जा रहा है, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। वो लिटरली बहुत मिस कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, ठीक है, रही है आप लोगों के बीच में, तो इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर वो उस चीज़ को लेकर पछता रहे हैं कि उन्होंने आपसे ऊपर जाकर दूसरों को क्यों प्रायोरिटी दी, दूसरों की क्यों सुनी। वो गिल्टी हैं जो कुछ भी उन्होंने करा उन चीज़ों के लिए, ठीक है। जो कुछ भी पास्ट में उन्होंने करा है उन सब चीज़ों के लिए गिल्टी हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। आप सबसे बेहतरीन चीज़ हो जो उनकी ज़िंदगी में हुई है, ठीक है। एंड वो इस समय नहीं जानते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, ठीक है, और वो जानना चाहते हैं आपको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू नो। एंड वो रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों अभी तक वो आपके प्यार को नहीं समझ पाए। ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ये जो आप दोनों का प्यार है, इनको खुशी देता है, इनको हैप्पीनेस देता है, ठीक है। मे भी कुछ लोग हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, देखो, जो आप लोगों को ना साथ नहीं देखना चाहते हैं, जो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि देखो, अपनी जो भी रिलेशनशिप की बातें हैं ना, वो अपने तक रखो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ अपना दुख शेयर कर रहे हो तो वो भी दुखी हों आपके दुख में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर जिस पर्सन के साथ आप ये दुख शेयर कर रहे हो ना, हो सकता है वो खुश है, वो हैप्पी हो रहा है आपको दुखी देख कर, ठीक है। तो और मेक श्योर कि जिस पर्सन से आप एडवाइस ले रहे हो वो सही पर्सन है या नहीं, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि कई बार हम लाइक फंस जाते हैं किन्हीं सिचुएशन में, तो हमें नहीं समझ में आता है कि हमें किससे एडवाइस लेनी है, किससे नहीं लेनी है,
है ना। तो जिससे भी आप एडवाइस ले रहे हो मेक श्योर कि वो एक सही पर्सन है, वो आपका वेल विशर ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल कर आएगी, कुछ लोग हैं जो आपको साथ देख के खुश नहीं है, आपसे हैप्पीनेस नहीं है, हो सकता है नज़र भी लगी हो सकती है आपके रिश्ते को, ठीक है। अगर ऐसा है ना लाइक नज़र वाली एनर्जी है, तो आप साथ ही साथ ये एक रोज़ क्वार्ट्ज और ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल भी पहन सकते हो, इट रियली वर्क अमेजिंगली, ठीक है। नहीं तो आप सीधा ब्लैक टर्मलाइन या ब्लैक ओबिजिडियन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरीके का ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, ये इस हर तरीके के लाइक अगर आपके रिलेशनशिप पर कुछ करा गया है, कुछ नज़र लगी है, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप कुछ करा गया है, तो उसके लिए भी ये बहुत इमेंसली बहुत मैजिकली वर्क करता है, तो आप ये भी पहन सकते हो एंड इट रियली वर्क्स मैजिकली। चलिए फिलहाल तो ये आज की एनर्जीज थी, एंड डेफिनेटली अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।